हैं जी, हम आए हैं बच्चों के 14 अगस्त की चीजें लेने। अब देखते हैं ये क्या क्या लेते हैं। ईशा फामा जो जरूरत वाली है ना वो लेना। अब ये देख लो गजरे वगैरह ये चीजें ना लो। बैंगल भी देखो जो लेने वाली चीज है। चलो क्या लेना है बच्चों की जिद थी कि इन्होंने ये चीजें लेनी है तो अब हम ये ले रहे हैं। पहन के देखो बेटे आपको आता है साइज आता है कि नहीं। ये खुशियाँ चेक करो, खुशियाँ चेक करो। नून लीग की तो कोई भी नहीं है, शेर वाली। आप 14 अगस्त मना रहे हो, नून लीग और पीटीआई नहीं मना रहे हो। नहीं नहीं बैंड नहीं लेना बेटे, ये लेनी है। नहीं नहीं हाँ वो लो, ये वाली। ये देखो निशान है चुपड़े अंदर से, तो ग्लासेस ले लो। अब देखते हैं पता नहीं ये क्या लगते हैं, इन्होंने बड़ा खपाना है यहाँ पे। और कपड़े इनके मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। ईशर फातिमा का, ईशर फातिमा की दादू ने सिलाई की है, पर अहमद का जो है वो हमने रेडीमेड लिया। हमने मुझे कैमरा बंद करके ना इनको खुद निकालना पड़ेगा, वरना ये सारी रात लगे रहेंगे, इनकी चीज़ें चूज नहीं होनी है। ईशा फामा ले लो बेटे, एक दिन की बात है। इनको मुझे ही निकालना पड़ना और मैंने ही निकाला। अब इन्होंने जो चीजें ली है ना ये देखें, ये इन्होंने चीजें ली है, हाथ पीछे करना। अभी चीजें हम आपको दिखाएंगे घर जाके। ईशा फामा ने पेंट लिए हैं और कल ईशा फामा सब के मुंह फेस जो है ना वो गंदे कर रहे हैं। ठीक है, चुप करो। ये जी हमने पाकिस्तान का झंडा भी लगा लिया। हाँ चले जब घर चलते हैं, घर चल के फिर मैं आपको इनके कपड़े भी दिखाती हूँ और जो इन्होंने अभी चीजें ली हैं ना वो भी दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जी अभी थोड़ी देर तक आपको मैं अपनी भी जो है वो ड्रेसिंग दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा ये अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से काके दिखा दूँ जो कि 14 अगस्त पे कैसे तैयार हुए हुए। अहमद अपनी आने के लिए काके दिखाओ, थोड़ा सा पीछे जाके दिखाओ, थोड़ा सा पीछे जाके दिखाओ। ये है जी हमारा इंडिपेंडेंस डे। ये देखो इतना बड़ा झंडा और इतना बड़ा झंडा, ये मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है। ये देखे, ये है अहमद ने ये जो रात को चीजें ली थी ना वो मैं दिखाती हूँ। ये इसने ये कैप ली थी, साथ में इसने ये ग्लासेस ली थी जो कि ये पहन के कह रहा है मम्मा मुझे सारा कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। और ये इसे झंडा लिया था। और ईशा फामा हमारे भी थे इस तरह के। जी, वो मेरे पास। चलो ये अपना पाव जाके दिखाओ। ये है जी अहमद भैया, ये मेरा बेटा। चलो बस ठीक है, चलो। और जी ये है ईशल फातिमा, इसने बड़ा टाइम लगाया रेडी होने में। मैंने कहा जी दिखाऊं आपको इसकी भी फाइनल लुक। माशाल्लाह लाजमी आप लोगों ने कहना मेरे काकों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, हमें बड़ी नज़र लग जाती है, तो इसलिए माशाल्लाह लाजमी कहना। क्या वह बैच नहीं लग रहा? नहीं जी इसका बैच ही नहीं लग रहा। चलो इसको वैसे ही अभी अटैच कर लो ना। रहमत भी क्या चला गया बाहर,
अपना पा पा बजाने, थोड़ा से शरबाद में पीछे हो, ये देखें, ये इसकी एज यूजुअल दादो ने स्टिच किया है। और ये जी इसने कल रिंग दिखाओ अपनी, ये इसने कल जिद करके ये इसने अपनी रिंग ली है कि मम्मा जी मैंने रिंग लेनी है। देखा बच्चियों को शौक और बैंगल्स ली। और ये है इशल फातिमा की ड्रेसिंग। इशल बाबा ने बोने भी ली थी, इशल बाबा नीचे करो सर। हाँ जी, ये इशल फातिमा ने वाइट और ग्रीन कलर की बोनी भी ली है। चले ये थे, अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपने फाइनल लुक और मियाँ जी की फाइनल लुक। अब बच्चे बाहर जा रहे हैं अपना पाँव पाँव बजाने के लिए। इशल एक दफा बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखें मैंने ग्रीन शीट दुपट्टा शबट्टा पहन लिया है, ठीक है। अब पता नहीं जी आपको कितनी को मेरी ग्रीन सी लुक नज़र आ रही है, कितनी नहीं आ रही। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई। अब हम जी पाकिस्तान जिंदाबाद अपनी 14 अगस्त मनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आपको जी 14 अगस्त पे लाहौर की रौनकें शौनकें दिखाते हैं और आप लोग मेरे साथ चलें, ठीक है जी। अब निकलते हैं इससे पहले कि जी मियाँ जी को गुस्सा चढ़ जाए, क्योंकि वो बड़ी देर से बाहर निकले हुए हैं और मैं बस लाइटें शाइटें ऑफ करके लोक शोक लगा के तो मैं भी निकल रही हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ रहना, मैं आपको दिखाऊंगी लाहौर की रौनकें जो 14 अगस्त पे होती हैं और कितने ज़ोर और शोर से 14 अगस्त मनाते हैं, स्पेशली लाहौर। ये ले जी हम निकले थे घर से 14 अगस्त मनाने के लिए, और जी हम लोग जब जा रहे थे हमारी बाइक का हो गया टायर पंचर हो गया। मियाँ जी गए हैं टायर पंचर लगवाने और मैं जी यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं आपको इशल फातिमा दिखाती हूँ। इशल फातिमा झूले ले रही है। हम जी अपने पार्क में बैठे हुए, मियाँ जी ने कहा बैठो मैं आता हूँ। मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अब जी हम गर्मी में अच्छे खासे पिघल छिघल गए हैं, हमारी 14 अगस्त यहीं पर सेलिब्रेट हो गई है। मैंने कहा जी ये भी आपको चीज़ बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए हैं। अपनी बाजी की नई एनकें चेक करो, एनकें। चलो जी मैं आपको इशल फातिमा दिखाती हूँ कि इशल फातिमा क्या कर रही है। जी इशल फातिमा क्या कर रही हो? ये ले रही है स्विंग। मियाँ जी गए हैं टायर पंचर लगवाने और जी हम यहाँ पे बैठे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आते हैं तो फिर निकलते हैं। अब जी ऑलमोस्ट रात हो गई, आपको रात के नज़ारे दिखाते हैं 14 अगस्त के आज़ादी के लाहौर में कैसे मनाते हैं लाहौर। ये चलें जी। तो जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग मैंने पहले शुरू कर लिया हुआ था लेकिन मैंने कहा जी दोबारा सलाम लेना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। आप वो ले सकते हैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी। अपनी YouTube फैमिली के साथ मुखातिब होकर मैं आप लोगों को आज
बताती हूँ कि लाहौर की किन किन सड़कों पे आपकी बाजी ने बड़ा इंजॉय किया। और जी मैंने कहा जी क्यों ना मैं अपनी जो फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली है जो कि मेरे 5K की फैमिली है, मैं उनको भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। व्लॉग को मिस नहीं करना, व्लॉग को पूरा देखना है। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जी अब बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। आपकी बाजी के अंदर का जो कीड़ा है ना वो बाहर आ गया हुआ है यूट्यूब वाला, इस वजह से अब हम जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी रूटीन फिर से सेट करें जैसे कि हम पहले रूटीन के साथ चल रहे थे। इस वजह से आपने मुझे मोटिवेशन देते रहना है और मुझे लाइक करके लाजमी बताते रहना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। बस जी शुरुआत हमने अपनी की थी लिबर्टी बरकट मार्केट वाली साइड पे, इतना रश था, इतना को रश था, मैं कहती हूँ शदीद उन रश उन बहुत ज़्यादा उन। लेकिन जी मैं कहती हूँ लाहौरी जिंदा दिल क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि लाहौरियों ने बिल्कुल भी हार नहीं माननी होती है। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी गली में अपनी गाड़ी घुसा देनी होती है और वहीं पर ही अपना हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं। इतना कुछ ज़्यादा लाहौर मैं कहती हूँ डेकोर हुआ हुआ था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने DHA फेस 5 में गए, हम लोग लिबर्टी में गए, उसके बाद हम लोग ये छरे वाली नहर में गए। अब आप लोग देखते जाएं, मैं कहती हूँ इन्हीं बतियाँ, इसीलिए लाहौर को मेरे ख्याल में रौनकों वाला शहर कहा जाता है। यहाँ पे जो रौनकें हैं ना वो इन बतियों की वजह से ही है। बढ़िया बतियाँ बालियाँ सी, मैं कहती हूँ इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी इन्होंने, बड़ी ही ज़बरदस्त डेकोरेशन की थी। हाँ जी अब आप लोग सोचेंगे कि बाजी ने व्लॉग जब शुरू किया था ना वो तो बाजी बड़ा टैं टैं बोल रही थी, अब जी वॉइस ओवर पर क्यों आ गई हैं। वॉइस ओवर पे इस वजह से आ गई हैं कि लोगों ने अपनी गाड़ियों में बड़े ही लाउड म्यूज़िक लगाए हुए थे, शीशे इन्होंने नीचे किए हुए थे और ची ची पाँ 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 पाँ, ची ची तो नहीं खैर पाँ पाँ जो थी ना वो कंटिन्यूसली जो थी ना वो बच्चों की जारी थी। ये बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, डिक्कियाँ खोली थी और बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर था। आपको मेरी बिल्कुल भी जो है ना आवाज़ की समझ नहीं लगी थी, इसलिए आपकी बाजी ने कहा कि आपको साथ साथ जो है ना वो अपनी आवाज़ में इंटरटेन करती है, अपनी खूबसूरत और हसीन आवाज़ में इंटरटेन करती है और साथ साथ आप ये बतियाँ इंजॉय करें। जहाँ पे ये लगी हुई थी ना वाइट और ग्रीन कलर की बतियाँ वो तो हमें समझ में आती थी कि ये आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, पर मैनू एक गल तो समझ नहीं सी लगती भी जिथे लगियाँ सी गोल्डन बत्तियाँ वो तो ऐसा लगता जैसे किसी का वलीमा है किसी की मेहंदी है। लेकिन खैर हर बंदे का अपना अपना तरीका था जश्न आज़ादी मुबारक मनाने का, तो जी हम तो नहीं कह सकते थे कुछ भी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि वैसे फीलिंग वहाँ से जब गुजरते थे ना तो वैसी वाली आती थी। खैर हम लोग निकले, हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया, बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा पाँ 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 लगाई थी। फिर जी आपकी बाजी घर आई, घर आके उसने दो पैनाडोल गोलियाँ खाई, शदीद वाला जो सर दर्द था ना शदीद वाला वो सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर आराम सुकून से बैठ के और जी मैंने अपना वॉइस ओवर किया, अपनी वीडियो एडिट की और आप लोगों तक पहुंचाई है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जी मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो मैंने अपने फैमिली के कुछ लोगों के लिए बनाई है जो कि आउट ऑफ सिटी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इन लॉज की तरफ से ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, जो कि लाहौर को मतलब इस तरह नहीं देख सकते हैं। वो हम लोगों ने लास्ट ईयर अपनी ईद जो की थी ना वो हमने अपने फैसलाबाद में की थी, तो इस वजह से वहाँ पे हमें लगा ही नहीं कि 14 अगस्त है सुबह, हम लोग 13 की रात को उधर थे, हमें लगा ही नहीं कि हम वहाँ पे 14 अगस्त है सुबह। लेकिन जी इस दफ़ा मैंने ये वीडियो ख़ास अपनी उन फैमिली के लिए बनाई है कि देखो देखो हमारा लाहौर कैसे सजाते हैं और कितनी रौनक होती है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रौनक होती है, ताकि अगली दफ़ा उनका भी दिल करे, इतना दिल करे कि वो लोग कहें कि हमने भी अपनी 14 अगस्त लाहौर में जाके मनानी है। बहुत खूबसूरत लग रहा था लाहौर की, मैं कहती हूँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो बस जी रूटीन अपनी एक सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों ने दुआओं में भी याद रखना है और मुझे सपोर्ट भी लाजमी करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ, नए नए कॉन्टेंट। देखिए अब एक गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से बच्चों को छुट्टियाँ, ऊपर से तीसरी बात यह कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं ना वो बड़े ख़राब हुए पड़े हुए हैं, एक नेट प्रॉब्लम दूसरा लाइट प्रॉब्लम,
तो ये जब दो काम होते थे ना, तो फिर उस वजह से वीडियो जो थी ना वो बनाने का दिल भी नहीं करता था और कोई कंटेंट भी नहीं समझ में आता था। अब एक कमरे से किचन और किचन से बेडरूम में आओ, ये तो कोई कंटेंट ना हुआ, कुछ डिफरेंट दिखाना चाहिए। अब ये 14 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था, तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने अपनी लास्ट ईयर भी जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपनी इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की थी, तो मैंने ये अपना व्लॉग लाजमी बनाया था। इस दफ़ा ज़्यादा जोश व खरोश से इस वजह से हम लोगों ने बनाया है क्योंकि एक तो हम अपने शहर में थे, लास्ट ईयर हम अपने शहर में नहीं थे, इसलिए हमने इस दफ़ा ज़्यादा जो था ना वो जोश से मनाया था। बड़ा मज़ा आया 14 अगस्त पे, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। अब मैं कहती हूँ बच्चे भी थक टूट के ऐसे सोए मैंने, इसीलिए आपकी बाजी रिलैक्स हो के आराम सुकून से तसल्ली से वॉइस ओवर कर रही है, कोई शोर शराबा नहीं। और आपको जितने भी यहाँ के मतलब हमारे करीबी करीबी जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे ना वो सारे मैंने आपको जो है ना अपनी वीडियो में दिखाए हैं। और अब आप लोग भी मेरी वीडियो देखते जाएं, साथ साथ अपनी चाय पिएं, साथ साथ अपना खाना एंजॉय करें, साथ साथ जो भी जो है वो आप लोग मेरी वीडियो के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वो खाएं पिएं और मेरी वीडियो को एंजॉय करें और ढेर सारी दुआएं दें और अपनी बाजी को जो है ना दुआओं में लाजमी याद रखा करें। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि जब आप मेरे बच्चों के व्लॉग देखते हैं, जब वीडियो इस तरह के कोई भी व्लॉग मतलब मैं डालती हूँ, कोई बच्चों से रिलेटेड होती है या मुझसे रिलेटेड होती है, तो नीचे लाजमी माशाल्लाह लिख दिया करें। ठीक है, उससे ये होता है कि जो है ना हर बुरी नज़र से हम बच जाते हैं वरना नज़रें, मैं कहती हूँ नज़रें तो ऐसी खाती हैं बंदे को, बड़ी नज़रें खा जाती हैं। तो नज़र वैसे भी जो है ना वो बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। आप लोग लाजमी माशाल्लाह नीचे लिखा करें, कुछ ना समझ आ रहा हो आप लोग नीचे कमेंट में क्या लिखें तो सिर्फ नीचे माशाल्लाह ही लिख दिया करें और ढेर सारा अपनी बाजी को प्यार दिया करें ताकि उसको मोटिवेशन मिलती रहे और वो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहे। ठीक है, इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो तो मैं कहती हूँ वाह कमाल और धमाल वाली वीडियो होनी है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होनी है। और मेरे ख्याल में अभी तक YouTube पे मैं भी शायद इतना मतलब तफसीलन किसी ने भी ना बनाई होगी जितनी मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है। इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी पसंद आएगी। पहले आपने इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना है और मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, अगर आपको कभी भी वीडियो में कुछ मतलब अच्छा ना लगे या आप लोग चाहते हैं कि कुछ इस टाइप की वीडियोज़ होनी चाहिए जो मेरे लिए भी इजी हो बनाना, तो आप लोग मुझे वो भी सजेशन दे सकते हैं। जब हम लोग एक YouTube फैमिली बनती है ना, मतलब अपनी फैमिली से हट के जब हम इस तरह सोशल मीडिया वाली लाइफ में आते हैं ना, तो ये भी हमारी एक फैमिली ही बन जाती है। तो इस वजह से किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानती मैं। आप लोग मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ चाहिए या आप लोग मेरी वीडियोज़ में क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं, क्या कुछ आपको वीडियो में अच्छा लगता है वो मुझे लाजमी बताया करें। ठीक है, अब जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको तो ये पॉइंट देख के समझ आ रही होगी ये फलां फलां पॉइंट है, लेकिन जो लाहौर के बाहर हैं उनको मैं बस यही कहूँगी कि मेरी वीडियो देखो ते इंजॉय करो है देखो कि बाजी जिते जिते गई है हर पासे बतियाँ ही बतियाँ, हर पासे राशि रश, हर पासे मैं कहती हूँ रोन के ही रोन के थी। बस आप लोग बस ऐसे ही इंजॉय करें और हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। लाइफ बड़ी छोटी सी है, बंदे को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, बिल्कुल भी मैं कहती हूँ ऐसे अपसेट नहीं होना चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन्स बड़े आते रहते हैं, तो बहादुर बना करें और जो है ना अपनी लाइफ के साथ ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना एक्सपीरियंस करते रहा करें। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे कहीं कोई ना कोई जो है ना वो सिक्का चल जाता है, जैसे कि आजकल वो जो हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं ना अरशद नदीम साहब, उनका सिक्का चला हुआ है ना। इसी तरह इंसान की लक भी ऐसी ही होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी की जो है ना वो लक चल जाती है। मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन भाई मोर के अंदर जाने का रास्ता उधर से है। मुझे पता है इधर रास्ते में एक जगह पे तो हो जाओ।
से हम हाँ चलो 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 चलो। देखें जी आपको एम्पोरियम मॉल के हालात दिखा रहे हैं हम, एम्पोरियम मॉल के, ठीक है। बाकी जितनी बाहर की और बाहर से यहाँ तक की जितनी भी रौनके शौनके थी वो हमने आपको दिखा दी हैं, अभी आपको एम्पोरियम मॉल की दिखा रहे हैं। रश देखें, रश 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 रश, चले 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 जा, चलो चलो चलो, अगर टिकट लगी होती तो फिर। देखो तो सही एक दफा, इम्पॉसिबल यहाँ पे। जो भी थे वो ये है एम्पोरियम मॉल के लोग इधर कुछ लेने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ एसी की हवा लेने आए हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत रश तो वादो 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 इसलिए आगे आओ पापा के, आप भी आगे आओ। मैंने कहा जी आपको हमने बाहर की रौनके शौनके तो सारी दिखा दी हुई हैं, ठीक है, क्यों ना हम अपने यहाँ के जो फेमस वाले मॉल हैं ना वहाँ की आपको भी वीडियो दिखाई जाए, जिनमें से एक है पैकेजेस मॉल और एक है एम्पोरियम मॉल, ठीक है। अब हमारी पहुँच एम्पोरियम मॉल की थी, हमने कहा चले एम्पोरियम मॉल आपको दिखाते हैं। और ज़्यादा पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आप लोगों तक जा रही कितनी रही, और मैं बोल रही हूँ लोग मुझे पागल।
समझ रहे हैं।